गुड आफ्टरनून दोस्तों, और आज हम हैं दोबारा से अपनी फेवरेट जगह बास की फैक्ट्री में, जहां हमने फैंटास्टिक बैट सिलेक्ट कर लिए, हैंड पिक कर लिए, थैंक्स टू हमारे फेवरेट सोमी अंकल जी को। और आज हम ऐसा एक सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं कि बास के बैटिंग ग्लव्स कैसे बनते हैं, और हमें पूरा फैक्ट्री में वो ग्लव्स का सेक्शन कैसे शुरू होता है, कैसे बनता है, उसके अलग अलग क्या वैरायटीज में वहाँ पे पार्ट्स में ग्लव बनता है, वो सब आज हमें दिखाएंगे खुद सोमी अंकल। क्यों सचिन भाई, क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, देखो ये वीडियो आप सब जानते हैं, जब हम बास आते हैं तो हम दोनों भाई बहुत मंत्रमुग्ध होते हैं, क्योंकि अंकल हमें बहुत प्यार करते हैं बहुत। और तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो, बहुत वैल्यूएबल कंटेंट जो कि ग्लव कैसे बनता है, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं, उससे पहले हमारे YouTube चैनल साहिल सचिन व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें, हमारे Instagram अकाउंट और हमारे Facebook पेज को फॉलो और लाइक कर लें जल्दी से। अब सीधा चलेंगे, देर नहीं करेंगे, सीधा अंकल के पास चलेंगे और देखते हैं क्या है अंकल के पास आज। तो हमारे साथ हैं हमारे पिता समान और बहुत आदरणीय सोमी अंकल। अंकल, ये आज आप ग्लव्स के बारे में बता रहे हैं हमें। हाँ हाँ, पहले आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो धन्यवाद करता हूँ स्पोर्ट्स वर्ल्ड का कि जिन्होंने कि आज बहुत दिनों के बाद मेरे इस फैक्ट्री में तशरीफ रखी है। वेलकम माय डियर, नो प्रॉब्लम। आगे आपको क्रिकेट बैट्स के बारे में बताया, आज हम बैटिंग ग्लव्स जो कि और बड़ा फेमस है, वर्ल्ड क्लास के टॉप प्लेयर्स उसके साथ खेलते हैं, ऑल नोज इन द वर्ल्ड, क्रिकेट प्रेमी और प्लेयर्स को सबको मालूम है ग्लव्स का। आज उनको ग्लव्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन बताएंगे कि कैसे ग्लव्स बनता है, क्या क्या इसमें यूज़ होता है। ये देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ, ये लेदर है जो बैटिंग ग्लव्स के लिए यूज होता है, इसको हम कहते हैं काफ लेदर। काफ लेदर, दिस इज ए काफ लेदर। ओके, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है अंकल। और इसके ग्लव से मेरे ख्याल से जो प्रैक्टिस के लिए भी, मैचेस के लिए भी कुछ एक प्लेयर करते हैं, दिस इज द शीप स्किन लेदर। आपको देखने में आपको डिफरेंस नहीं नजर आएगा, लेकिन जब इसकी फीलिंग होगी, सी दिस, ये है शीप स्किन जो की बड़ा कम्फर्टेबल, सॉफ्ट है बिल्कुल। ये थोड़ा सा थिक ये भी होता है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड होता है, जो पाम के लिए, जो आपको ग्रिपिंग के लिए चाहिए, दिस इज बेटर। प्लेयर्स इस लेदर के ग्लव पसंद करते हैं, और इसकी लाइफ कम होती है लेकिन कंफर्टेबल होता है, एक आप जाते ही इसके साथ मैचेस खेल सकते हो। ये जो लेदर है इसको हम काफ लेदर बोलते हैं। नॉर्मली प्लेयर्स जो इसको प्रैक्टिस के लिए भी यूज करते हैं, मैचेस के लिए, इससे भी सैकड़ा लग जाता है, इससे भी सैकड़ा लग जाता है ग्लव्स के साथ, लेकिन दिस इज द डिफरेंस, इसको फीलिंग अलग है, इसके काफ लेदर के बैटिंग ग्लव्स की फीलिंग अलग है। दोनों की कॉस्टिंग में भी फर्क होता होगा? कॉस्टिंग में काफी फर्क है इसका। अब ये देखो, इसको कटिंग के लिए रखते हैं, दिस इज शीप स्किन लेदर, इसको मार्किंग करेगा, मार्किंग करके इसकी जो मार्किंग हो रही है ग्लव्स की, वो पाम बन रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले अब पाम बन रहा है, और जिसकी मार्किंग करके इसकी कटिंग होगी। तो ये फर्स्ट स्टेप है। आफ्टर सोमी अंकल, पहले ये देख लेते हैं शीप लेदर में बनना है या काफ लेदर में, उसके बाद ये डिपेंड करता है ऑर्डर्स के ऊपर, ये शीप स्किन है। वाओ, ये देखिए कितनी तेजी से ये काम हो रहा है, और ये एक ग्लव, ये दूसरा हाथ। ऐसे ये इसकी फिंगर्स की कटिंग है, ये फिंगर्स काट रहे हैं जैसे ग्लव्स के, जैसे ये विराट कोहली टाइप ग्लव्स होता है उसकी, ये धोनी, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे और भी वर्ल्ड क्लास के टॉप प्लेयर्स इसको यूज करते हैं, ये ऊपर की फिंगर्स। ओके, ये ब्लू कलर, ये जो ब्लू में आता है वो ये है, वो ये प्लेयर एडिशन ग्लव, ये फिंगर्स के ऊपर, ये उसकी स्ट्राइप के लिए भी दे देता है। राइट राइट राइट, ये इसको पाम के लिए है, ये भी उसके अंदर का पार्ट है, अंदर का पार्ट है, बिल्कुल ठीक है। आइए अब आपको दूसरे सेक्शन में लेके चलते हैं, ठीक है? ये ग्लव्स इसके बाद मेकिंग के लिए जाता है ग्लव्स, ठीक है? देखिए, ये हम आ गए हैं ग्लव सेक्शन में, और सीधा ये देखिए यहाँ पे ये ग्लव की मेकिंग हो रही है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो मेनली यहाँ पे प्लेयर एडिशन की ही बन रहा है। देखेंगे इसका पूरा प्रोसेस, अंकल समझाएंगे हमें अभी कि कैसे बन रहा है।
ये क्या अंकल आपके हाथ उधर लेदर जैसे आपको मैंने अपने व्यूज को दिखाया है लेदर की कटिंग होती है कटिंग के बाद इधर इस सेक्शन में ग्लव्स की ये कटिंग के पीसेज आते हैं इसके बाद उसके ऊपर पेस्टिंग होती है टॉवल पेस्टिंग और फोम पेस्टिंग इसको बोलते हैं पेस्टिंग करने के बाद इसको ये स्टिच करते हैं ये देखो ये फिंगर्स वैसे कट हो गए इसको हैंड ये स्टिच हो रहा है यहाँ पे ये फोम पैडेड है ये स्टिचिंग वाला पार्ट यहाँ पे हो रहा है करके दिखाएंगे थोड़ा सा ये देखिए दोस्तों उसके बाद इसको फोम पैडेड है जिसको भी ये भी पाम के लिए ये फोम पैडेड है ये देखिए फोम पैडेड है बिल्कुल पाम की शेप में काटा हुआ है और इसके बाद इसको और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये फिंगर्स अलग अलग कट रही हैं ये देखिए शेप दी जा रही है प्रॉपर इसको और इसका एक प्रॉपर जैसे हमने पिछली वीडियो में लास्ट में देखा पहले देखा है कि इसका एक पूरा ढांचा बना हुआ है जिसकी साइज़ के अकॉर्डिंग ये कट होता है और ये इसका अब हम ये थंब जो बोलते हैं ये देखिए कितना बारीकी काम है मैनुअल काम है आप देख सकते हैं और ये कटने के बाद ये देखिए दोस्तों ये है और अब इसका ये थंब लगने के लिए रेडी है देखते हैं ये और ये देखिए ये स्टिचिंग के लिए रेडी है ये थंब रेडी हो रहा है ना जी हाँ जी ये थंब रेडी हो रहा है ये देखिए डबल प्रोटेक्शन है ये नहीं नहीं सिंगल सिंगल और ये देखिए दोस्तों ये पूरा थंब का शेप आ चुका है अब इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे ये देखिए दोस्तों एक मिनट दोबारा करके दिखाएंगे आप ये देखिए ये हमारा दूसरा हैंड है और ये देखिए ये बनने के बाद इसकी फाइनल फिनिशिंग हो रही है अभी जो इसमें से एक्स्ट्रा क्लोथ है एक्स्ट्रा लेदर है वो कट हो रहा है ये देखिए ये बन गया है ये इसका पाम इसका ढांचा तैयार हो गया लेफ्ट का तैयार है और ये ऐसे होगा ये देखिए दोस्तों अभी ये ऐसे है ये बन के ऐसे होगा वो भी हम देखेंगे कैसे लिए क्या है पीसेस को स्टिचेस कर रहे हैं इसको डिजाइनिंग के लिए ये देखो डिजाइनिंग के लिए जो होता है ना जैसे ओके 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 अच्छा तो ये इधर स्टिच हो रहा है इधर ऐसे अच्छा यहाँ पे स्टिच हो रहा है हाँ तो दिखाएं एक बार हाँ देखिए क्या ये देखो यहाँ पे ऐसे दोस्तों जो ये ब्लू हम देख रहे हैं ये वाला ये ऐसे यहाँ पे डिजाइनिंग हो रही है इसका डिजाइनिंग हो रही है और सिलाई हो रही है डिजाइनिंग बनने के बाद ये फिंगर बन गई इसको हम फिंगर मतलब उंगली बोलते हैं फिंगर बन गई है का डिजाइन आ गया जो कि बाहर के हिस्से में आता है दोस्तों बाहर के फ्रंट के ऊपर के हिस्से में आएगा ये देखो इसको ये स्टिच करेंगे ये अभी देखिए हम इसको स्टिचिंग हो रही है इसकी ये जो सबसे छोटी उंगली हम बोलते हैं ये उसकी फिंगर तैयार हो गई है ओके तो ये इसको इधर स्टिच करेंगे जैसे कि ये आपको डिजाइनिंग है तो ये इस तरीके से इसको ओके, ये ऐसे स्टिच हो जाएगा स्टिच हो जाएगा ओके चलिए देखते हैं कि कैसे होगा ये देखिए दोस्तों ये फर्स्ट फिंगर राइट हैंड की बन रही है लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड की
ग्लव्स ये राइट के बन रहे हैं बट ये लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर है। दोस्तों ऐसी मज़ेदार वीडियोस आपको सिर्फ साहिल सचिन व्लॉग्स पे मिल सकती हैं। और ये सेकंड फिंगर लग रही है दोस्तों अब, और ये देखिए दोस्तों जब इसमें सारी चारों की चार फिंगर्स लग गई हैं, अब इसमें ब्रांडिंग हो रही है बास का। ये देखिए ये अभी ढांचा तैयार हुआ है, अभी तो हो रहा है रादर, अभी इसमें बहुत काम है। अगर इसके हम सारी डिटेल में घुस जाएंगे तो एक घंटे से ज़्यादा की वीडियो बनेगी है, तो हम छोटे छोटे क्लिप्स जोड़ रहे हैं। पट्टी लग के देखिए इसके बाद इसमें, हाँ जी अंकल, इसके बाद मैं ये बात कर रहा हूँ, ये ग्लव्स की शेप हो गई इसको तैयार करने, इसके बाद फोम पैडिंग फाइबर वगैरह फिलअप होती है, ये दूसरे सेक्शन है तो मैं आपको बताने इसके नीचे पट्टी लग के नीचे इसके ऊपर लगी, जैसे जैसे ये देखिए सॉफ्ट हो जाएगा नीचे से, नीचे से जो हाथ की फीलिंग होती है सॉफ्टनेस के लिए ये इसकी पैडिंग की गई है जैसे जैसे हाथ में आता है, ताकि लेदर में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, इसे पैडिंग कर दी जाती है ताकि ग्लव्स में आपको आप पूरा कंफर्टेबली पहन सको। ठीक है, ये फिंगर्स के बनने के बाद इसको ये बीच में इसको गद्दी बोलते हैं, इसकी पैडिंग होती है, पैडिंग होती है, पैडिंग कर रहे हैं, ये देखिए कैसे इसको पैडिंग कर रहे हैं फिंगर्स को मैं डाल के, ये देखिए ये देखिए दोस्तों जो प्रोटेक्शन होती है आपकी फिंगर को जो चोट लगने से बचाती है उसमें इस फोम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और ये देखिए फाइबर कैसे फाइबर, जी अंकल क्या दिखा रहे हैं आप, ये फाइबर्स है प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए फिंगर्स के लिए, ये फिंगर के लिए जब हम हमारी फिंगर ऐसे डलती है ना फिंगर के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फाइबर बोलते हैं। ओके अंकल, और ये इसलिए दी जाती है जैसे प्लेयर्स की लाइफ है क्रिकेट, कहीं उंगली में चोट लग गई तो उसका सीजन पूरे का पूरा खराब हो जाता है, सही कह रहे हो, इतनी अच्छी से प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि उसके फिंगर में 145-150 की स्पीड पे बॉल आता है, और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नीचे फाइबर फिर फोम पैडिंग, कितनी पैडिंग्स होती हैं ताकि कहीं प्लेयर्स को चोट, एक प्लेयर को चोट लगी तो समझ लो उसका सीजन सारा खराब हो जाता है, सही कह रहे हो, जिससे कि उसकी लाइफ पे करियर में क्रिकेट के करियर में बड़ा इफेक्ट करता है, बहुत इफेक्ट करता है। इसलिए बैटिंग ग्लव्स का और बैटिंग पैड का क्रिकेट इक्विपमेंट का मेन रोल है प्लेयर्स के लिए जो कि उनको इंजरी से बचाते हैं, बचाते हैं। इतनी लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ ये चीजें बन रही हैं। ये देखिए इसको पैडिंग, ये देखिए दोस्तों ये देखिए, ये पहले इसमें फाइबर की टेप डलती है, बस में इसमें कॉटन भरा जाता है, इसमें कॉटन भरा जाता है, कॉटन भी भर दे, ठीक है, ये देखिए ये देखिए ये यहाँ पे ही अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये हार्ड होना शुरू हो गया, अभी इसमें कॉटन फिल होनी है दोस्तों। सो ये देखिए दोस्तों अब इसमें कॉटन फिल हो रही है, ये देखिए आप देखिए स्पेशल कॉटन, ये स्पेशल कॉटन आती है जी, जी 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 स्पेशल कॉटन, ये देखिए दोस्तों कितनी कॉटन इसमें फिल हो चुकी है आप देख रहे हैं प्रॉपर, अभी एक फिंगर में प्रॉपर कितनी दिखाइए मुझे, ये देखिए दोस्तों इस एक फिंगर में अब आप देख रहे हैं कितनी कॉटन फिल हुई है और पूरा टाइट हो चुका है ताकि बॉल का इम्पैक्ट आपकी फिंगर तक ना पहुंचे, इसलिए इसमें इतनी कॉटन है। और जो जो अभी हम इसकी बात कर रहे थे, इस पार्ट की बात कर रहे थे, वो इन दोनों फिंगर्स में है, ये देखिए बहुत हार्ड है, हाँ ये दोनों फिंगर्स में इसको इनसाइड इसके होता है, इनसाइड इसके ये प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बताइए अंकल। सो दोस्तों ये देखिए ये सारी पैडिंग होने के बाद इसमें कॉटन भरने के बाद प्रोटेक्शन के बाद ये इस तरीके से इसका एक ढांचा तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप इसका आता है, देखिए बिल्कुल मैनुअल वर्क है, बताइए अंकल, ये देखो स्टिचिंग कर रहे हैं, हैंड स्टिच है सारी, ये सारा हैंडमेड, एक एक ग्लव आप देखिए कितनी मेहनत लग रही है एक ग्लव को बनाने में, और ये कारीगर हैं जो कि एक्सपर्ट हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ सोमी अंकल, और इनके टीम है, इनकी बेटा है इनका, इनकी फैमिली है यहाँ पे,
सो ये देखिए आप, पूरा स्टिचिंग पार्ट पूरा प्रॉपर हो रहा है। ये देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं ग्लव सेक्शन में, जहाँ पे ग्लव्स ही ग्लव्स पड़े हैं, जिसके ऊपर अभी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। सोमी अंकल ने बताया हमें ग्लव कैसे बनता है, और अब हम सम अप करते हैं इसको। साहिल भाई, बिल्कुल भाई, आपने सारा प्रोसेस देखा अंकल के साथ, कैसे ग्लव शीप काफ लेदर अंकल ने एक्सप्लेन किया, और एक एक चीज ग्लव की कैसे बनती है, और फाइनली हम बास के लेग गार्ड या ग्लव सेक्शन में हम हैं। अंकल आप ये इतनी मेहनत से इतना प्रेशियस ग्लव बनता है, और ये सारा ग्लव आपका अंदर ही बन रहा है? सारा अंदर ही बन रहा है, सारा अंदर ही सोर्सेज है, अंदर ही सब ग्लव बनता है। लेदर आउटसोर्स है, जहाँ वो टैनरीज है वहाँ से लेदर आता है। कुछ स्पेशलिटी एक दो टैनरीज है जो इसके लिए स्पेशल ग्लव लेदर बनाती है, सभी टैनरीज ग्लव्स के लिए लेदर नहीं बनाती। और अंकल से मैं पूछ रहा था, दिन में सिर्फ 20 ग्लव बनते हैं, इतना हार्ड वर्क होता है, तो यही हार्ड वर्क हम साहिल सचिन व्लॉग पे कर रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ साहिल सचिन व्लॉग पे, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, आगे ऐसे ही और एजुकेशन मतलब, हाँ जी सर ये पकड़ लो, अच्छा, वो अंकल वो दे रहे हैं आपको, अच्छा ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और स्पेशली आज देखिए हमें मिला है धोनी का ग्लव अंकल की तरफ से स्पोर्ट्स वर्ल्ड को। बने रहिए तब तक अंकल का आशीर्वाद लेकर। थैंक यू, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट टू ऑल, थैंक यू।